दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। एलनाबाद नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आज पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज उतर रही है। आज भाजपा के चुनाव कार्यालय में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला, कालामाली के पूर्व विधायक सरदार बलकौर सिंह, एलनाबाद के चुनाव प्रभारी अमरपाल राणा, सिरसा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, वरिष्ठ युवा नेता अमन चोपड़ा, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमीर चंद मेहता, एलनाबाद के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन रवि लड्ढा व अन्य स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को इन चुनाव में एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने की अपील की गई। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने बहुत काम किया है और अब निश्चित तौर पर 2.5 साल सरकार के और बाकी हैं। आज हमारी कोर टीम की सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। हमने हर बूथ पे, हर वार्ड में प्रवासी कार्यकर्ता जिम्मेवारी लगाई है, जो डोर टू डोर जाएंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हम चाह रहे हैं एक सभा के रूप में, क्योंकि चुनाव जो है वो 19 तारीख का 17 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। तो एक सटीक रणनीति के तहत, ताकि घर घर डोर टू डोर व्यक्ति व्यक्ति संपर्क हो, तो आज बैठक हुई है। सारे कार्यकर्ता उस बैठक में थे, हर एक की जिम्मेवारी लगी है। निश्चित तौर पर एलनाबाद में बहुत बड़ी भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी कई टक्कर दे रही है, पहली बार है जो कांग्रेस पार्टी एलनाबाद के टक्कर ना ना कहीं टक्कर नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, कांग्रेस के तो 6 धड़े हैं। कांग्रेस की तो हालत यह है, एक धड़ा निकलता है तो दूसरा धड़ा उसकी बुराई करता है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, और ये जो एलनाबाद का चुनाव है वो तो नहीं। मैं तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर 5500 की जीत थी, इस बारी 11000 की है, कहीं मुकाबला नहीं है। बशर्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता है, अपना संपर्क घर घर तक साधे, व्यक्ति व्यक्ति साधे, इसी को लेकर आज बैठक हुई। देखिए ऐसे है, चुनाव के अंदर हर एक का मन करता है। वार्ड का लड़ने के लिए भी 4-5 कैंडिडेट होते हैं। चेयरमैन पहली दफ़ा हो रहा है, स्वाभाविक है 5-7 कैंडिडेट थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। सब लोग साथ है, तय दिल से साथ है, और अच्छी बात यह है कि सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं। कोई कार्यकर्ता हमारा घर नहीं बैठा, सब लोग प्रचार कर रहे हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं, सर्वसम्मति से बने बहुत अच्छी बात है। उन 3 पार्षदों पे ही हम छोड़ देते हैं, वो किसको सहयोग करेंगे। कोई भी पार्षद सर्वसम्मति से बनता है, मैं मानता हूँ पूरा वार्ड सर्वसम्मति करता है, लेकिन वो किस लिए बनता है? विकास को लेकर। इसी बात पे सर्वसम्मति होती है कि मैं काम करवाऊंगा, तो उनको पता है कि भाजपा विकास करा सकती है, तो उनका जो झुकाव है भाजपा की तरफ है, इसमें क्या आरोप लगाने की क्या बात है? वो अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, वार्ड के लोगों ने सर्वसम्मति बनाई है। मैं तो उन तीनों को बधाई और देता हूँ, वार्डवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो सर्वसम्मति बनाई विकास को लेके, और बहुत उनका धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और एक नई पहल करने की कोशिश की है कि एलनाबाद एक छोटा सा शहर है, उसमें 3 मेंबर सर्वसम्मति से आए हैं, बहुत बड़ी बात है। अगली बारी तो आधे से ज़्यादा मेंबर सर्वसम्मति होनी चाहिए विकास को लेके। हाँ आएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। आज हमारे सरदार बलकौर सिंह जी XMLA रहे हैं कालामाली के, इनकी भी यहाँ जिम्मेवारी लगी है। आप भी एलनाबाद को देख रहे हैं, हमारे जगदेव सिंह मरदादू हैं, उनका भी ड्यूटी लगी है, SGPC के मेंबर रहे हैं, कि यहाँ जो भी सिख वोटर्स हैं उनको मिलें जाके। और हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, उसी को लेके आज पूरा हमने रूपरेखा तैयार की है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। स्वागत है ऐसे, अगर देखो कुछ भी कहो, एक बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, छोटी चीज़ नहीं है। उनके पिता चौरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 दफ़ा, और उनका एक प्रभाव है, असर है अपने
इलाके में भी उनका असर है और हर इलाके में उनका असर है। हम स्वागत करते हैं, वो आते हैं। उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसे 8 सालों में 7 सालों में क्या काम हुआ है बीजेपी ने, उन्होंने एक बात और भी कही है सिरसा जिले में अभी तक इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सके, यहाँ से रेफर करते हैं। किन्होंने सवाल किया? सेविया है, बड़े अजीज़ हैं मेरे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका परिवार भी यहाँ रहता है। और आपने सवाल, उन्होंने पूछा कि काम नहीं किया, तो हमारे रवि लड्डा जी चेयरमैन हैं, जहाँ उनका परिवार रहता है ना, वहाँ बहुत बड़ा तालाब था, सारे शहर की गंदगी थी। और उनसे पूछो, इतना बड़ा पार्क रवि लड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, वहाँ इतना सुंदर पार्क बनाया जो आज तक अभी सोच ही नहीं सकते। और इसी शहर की, एलनाबाद शहर की एक एक गली में जाके देखो कितनी सफाई और कितनी बढ़िया गलियाँ बनी हैं। मैं तो एलनाबाद की गली गली घूमा हूँ और मैं यही सवाल पूछता हूँ कि कितनी बार ये एमएलए जीते हैं यहाँ से, एलनाबाद की जनता ने जीता है, उनसे पूछ लो एक गली बनाई हो तो। देखिए सुनो, हर शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, सिरसा का DPR रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ तैयार हो गया है। बहुत जल्दी आचार संहिता लगी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी 29 को घोषणा करने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के कारण जो भी शहरी निकाय की थी घोषणा नहीं की। और सिरसा के अंदर टेंडर प्रोसेस पे है, पैसा एलोकेट हो गया, घोषणा होनी बाकी है स्थान की घोषणा, क्योंकि टेक्निकलिटी तौर पर जो स्थान सोचा था शायद वहाँ कोई कोर्ट के मामले के कारण दिक्कत आ गई और वो मामला जल्दी सुलझ जाएगा और उसमें वहाँ काम शुरू हो जाएगा। जी, जिस तरह आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले इलाहाबाद की जो एक सर्जन डॉक्टर, उनका कुछ इस सरयाम में भी सुन लिया? हाँ, मैंने वो स्टिंग देखा था, बहुत ऐसे लोगों पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। उस पर आपकी क्या सरकार? मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके की अगर बात आती है तो इसमें सरकार बहुत सख्त है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मैंने वो स्टिंग देखा है, वो पोस्टिंग हुआ था वो मैंने देखा, और मैं तो अपील भी करना चाहूँगा जनता से, ऐसे लोगों को बिल्कुल बेनकाब करो और बताओ और हम सख्त कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ़। बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मीटिंग हुई है अध्यक्ष की अध्यक्षता में और सभी जो मेन लीडर हैं हमारे यहाँ के सरसा ज़िले के, तो आज उसमें सारी वार्डों में ड्यूटी लगी है, तो मैं आज ही आया हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोगों का पूरा इच्छा है। जहाँ के भारतीय जनता पार्टी एक विकास का नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज पूरा रुझान है लोगों का, उसको देखते हुए ये लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हमारा जो कैंडिडेट है जहाँ से जीत के जाएगा। मैंने तो कांग्रेस का नाम आपके शब्द मुंह से सुना है, कांग्रेस का तो ख़त्म हो गया हरियाणा में, से तो कुछ नहीं है। अब देखो, लोकल नेता वो अपनी अपनी बात करते हैं, वो किसी कांग्रेस की बात नहीं करते हैं। वो कांग्रेस तो आप देखो, ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें क्या कांग्रेस का बचा है? कांग्रेस ख़त्म है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका कोई भी कहीं मुकाबला नहीं है, तो यहाँ से बढ़िया जीत लेकर हम जाएंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार ने पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो हमारी जो छोटी सरकार है जिनका अहम रोल होता है विकास में, जो विकास को आगे बढ़ाने में, और उसी कड़ी में पहली बार जो है ना नगर पालिका, नगर परिषद और इनका जो है ना सीधा डायरेक्ट चुनाव करवा के एक बहुत बड़ी हासिल किया है। और जहाँ मैं इलाहाबाद की बात करता हूँ, ये हमारा बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और इलाहाबाद में पहले भी हम बहुत, जो पिछला चुनाव आपने विधानसभा देखा है, भारी मतों से यहाँ से हमने चुनाव, एक सिस्टम से, और ये चुनाव हम बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। और इसमें लोगों में एक उत्साह है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है विकास को लेकर हम इसमें मैदान में आए हैं, और ये विकास के कारण ही ये चुनाव हमने जीता। पिछले 4 स्टेटों का हमने चुनाव जीता, ये माननीय देश के मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों में जो ये आगे हमारा प्रदेश और देश तरक्की कर रहा है, उसी कड़ी में ये तीसरी सरकार, पहले डबल इंजन सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दोराय नहीं। खूबी की बात, वो चाहे कांग्रेस पार्टी जो NLD की बात आप करते हैं,
ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद इन्होंने आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जो रीति नीति है वो किसी कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी देता है तो कार्यकर्ता बेखुबी से ईमानदारी से उस काम को निभाता है और आगे बढ़ाता है। इसमें कोई खुबी की बात नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता में कोई आरोप नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। ये परिवारवाद को जो है ना ख़त्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी काम है वो किया, वो उस बात को लिए उस बात को कह रहे हैं। जितना भी नव मतदाता है जिसका अभी अभी इसी वर्ष के लिए प्रथम वोट बना है, उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मनोहर सरकार के प्रति पूरा रुझान है। और जितना यूथ है, जो मैं 20 से 40 वर्ष तक की आयु का हूँ, आप देखिएगा एलनाबाद में पूरे में 100% यूथ का मतदान भाजपा के पक्ष में होने वाला है। देखिए नशे के चपेट में आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल यूथ का ध्यान उधर जा रहा है, मगर उसके लिए सरकार ने बहुत से काम चला रखे हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प क्लब चला रखे हैं, उन्होंने जिम चला रखे हैं, और भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे आए थे तो उन्होंने सख्त दिशा निर्देश पूरे सिरसा जिले के लिए दिए थे कि यहाँ से वो नशा हटा के रहेंगे, और वो उसके लिए कटिबद्ध है। देखिए बहुत निरंतर रूप से इस पर बड़ी कड़ाई से संज्ञान लिया जा रहा है, और जिन्होंने आपसे ये प्रश्न किया था वह सिरसा की सत्ता में 25 साल तक रहे हैं, उनसे आप ये प्रश्न करिए कि उन्होंने 25 साल क्या किया। और सरकार इतनी सख्त है, आने वाले दिनों में आपको सिरसा में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां सिरसा में कोई नशा बिके।